सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी नॉर्मल सी वीडियो को HDR में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हुए। तो HDR में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना होगा, एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अगर आप लोग पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग को प्लस पे टैप करना है, 9:16 को सिलेक्ट करना है, आपको कलर को ब्लैक रखना है, एंड उसके बाद आप लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को इसमें उस वीडियो को ऐड करना है जिस वीडियो को आप HDR में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो उस वीडियो को ऐड करने के लिए आप लोग को प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एंड अपने फोल्डर से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप HDR में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को वीडियो के लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर आप लोग को क्लिक करना है, एड इफेक्ट पर आप लोग को क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप लोग को अदर्स पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप लोग को चैनल रैंप RGB वाला जो इफेक्ट है उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। आपको इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है। उसके बाद आप लोग को ये जो थर्ड वाला लेयर दिख रहा होगा तो आपको यहाँ से B से आप लोग को Z कर लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग को बैक कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को वीडियो के लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है सैचुरेशन। तो आप लोग सैचुरेशन सर्च कर लेना। सैचुरेशन सर्च करने के बाद सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस जो फर्स्ट पे आएगा उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है, एंड उसके बाद सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला लेयर पर आप लोग को क्लिक करना है, एंड सैचुरेशन का वैल्यू आपको 21.5 रखना है, ठीक है, तो मैं इतना रख देता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को वाइब्रेंस पे क्लिक करना है, एंड वाइब्रेंस की वैल्यू को रखना है 1.50, तो मैं 1.50 रख देता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोग को फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है इफेक्ट सिंपल स्टारफाइड। तो मैं इफेक्ट सिंपल स्टारफीड को सिंपल स्टारफीड को आप लोग को सर्च कर लेना है, ठीक है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इस वाले इफेक्ट को आप लोग को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है, एंड उसके बाद आप लोग को इस वाले लेयर पे क्लिक करना है सिंपल स्टारफील्ड पे, एंड उसके बाद आप लोग को वीडियो के फर्स्ट पर आ जाना है, एंड यहाँ पर एक प्लस को ऐड करना है, एंड उसके बाद वीडियो के एंड पे आप लोग को चले जाना है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग को एक प्लस को ऐड कर लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग का जो है एक्स का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0, एंड उसके बाद आप लोग को वाई पे क्लिक करना है, एंड वाई का वैल्यू आपको रखना है 24, तो मैं 24 रख देता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए फिर से मैं क्लिक करूँगा, एंड उसके बाद वाई का वैल्यू को मैं 24 लिख दूँगा, ठीक है, तो 24 कर देते हैं हम लोग। और उसके बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आप लोग को जेड का वैल्यू पे क्लिक करना है, एंड जेड का वैल्यू को आपको रखना है 60, तो हम इसे 60 रख देते हैं, एंड उसके बाद राइट पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, एंड उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है साइज़ पे। साइज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इसका वैल्यू को रखना है 0.190, तो इसको हम लोग 0.190 कर लेते हैं। तो हो गया 0.190, एंड उसके बाद आप लोग को बैक कर लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग को ऐसे फर्स्ट पे आ जाना है, और उसके बाद आप लोग को प्लस पे टैप करना है, एंड यहाँ से आप लोग को एक शेप को सिलेक्ट करना है जो होगा रेक्टेंगल, ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को कलर एंड फील पर क्लिक करना है, एंड इसके कलर को आप लोग को पिंक रख लेना है, इस वाले कलर को आप लोग को रख लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग को बैक करना है, और उसके बाद आप लोग को ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है,
एंड फिल कंपोजिशन एरिया पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड इतना क्लिक करने के बाद आप लोग को जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर, एंड उसके बाद आप लोग को डिफरेंस पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। डिफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सब्सट्रैक्ट पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद बैक आ जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को उसी रेक्टेंगल वाले लेयर पे आप लोग को क्लिक करना है, एंड इसमें इफेक्ट पे क्लिक करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। तो हम लोग कॉपी बैकग्राउंड सर्च कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी बैकग्राउंड सर्च करने के बाद जो फर्स्ट पे इफेक्ट आएगा उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करने के बाद आप लोग को फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है गॉसियन ब्लर, तो आप लोग सर्च कर लेना गॉसियन ब्लर, तो आप GAU तक लिख दोगे तो आपका गॉसियन ब्लर इफेक्ट है जो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग को क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड गॉसियन ब्लर वाले लेयर पे आप लोग को क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप लोग को इसका जो वैल्यू होगा आप लोग को रखना है 0-0.500, ठीक है। मतलब माइनस 0. नहीं होगा, मतलब कि आपको 0.500 रख देना है, ठीक है। तो हम लोग 0.500 रख देते हैं इसके वैल्यू को। इतना रखने के बाद आप लोग को बैक कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को उसी लेयर पे आप लोग को क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है एक्सपोजर एंड गामा, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोजर एंड गामा को सर्च कर लेते हैं, एंड स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है, एंड एक्सपोजर की वैल्यू पे क्लिक, एक्सपोजर वाले लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसके वैल्यू का हम लोग को रखना है -0.09, तो हम लोग -0.09 रख लेते हैं, -0.09 हम लोग रख देंगे। एंड उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है गामा पे, एंड इसके वैल्यू का आप लोग को 0.900 कर लेना है, ठीक है। तो 0.900 हम लोग कर लेते हैं, एंड उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है ऑफसेट पे, एंड ऑफसेट का वैल्यू को आप लोग को 0.10 रख लेना है, ठीक है, मतलब कि -0.10। एंड इतना करने के बाद आप लोग को बैक कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को बैक कर लेना है, फर्स्ट पे आ जाना है, उसके बाद प्लस पे टैप करना है, एंड फिर से आप लोग को रेक्टेंगल वाला शेप को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड शेप को सिलेक्ट करने के बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, एंड इसके कलर को आप लोग को वाइट रखना है, ठीक है। एंड बैक कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग को ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड फिल कंपोजिशन एरिया पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर, एंड आप लोग को क्लिक करना है कॉन्ट्रास्ट पर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आप लोग को ओवरलैप पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को बैक कर लेना है, तो आपकी वीडियो में जो है इस टाइप का HDR इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपको इस वाले लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, एंड ऊपर वाले लेयर को भी लॉन्ग प्रेस करना है, एंड उसके बाद आप लोग को ऐसे इस टाइप से ऐसे आगे आ जाना है पूरा एंड तक, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका HDR इफेक्ट पूरे वीडियो पे लग जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसको सेव करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग को ऊपर इस एरो वाले चिन्ह पर आप लोग को क्लिक करना है, एंड उसके बाद वीडियो पे सिलेक्ट करके आप लोग को इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जो है आपका वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।